में आज कौन सी बाइक है, और सच बताऊं वो लोगों की धड़कन है, और वो कौन सी है मैं दिखाता हूं आपको। Please Lord give me a sign, a sign। दोस्तों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और स्पीड लिमिट में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आप कैसे हो, आई होप सो बहुत अच्छे होंगे। तो स्पीड लिमिट की कोई लिमिट नहीं, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज आए फिर जावा के शोरूम में, और जावा में आज कौन सी बाइक है, और सच बताऊं वो लोगों की धड़कन है, और वो कौन सी है मैं दिखाता हूं। बाइक का नाम है जावा क्लासिक 350, और जो इसके बारे में बताना चाह रहे हैं अनिरुद्ध जी, मैं स्वागत करता हूं आपका चैनल का। तो अनिरुद्ध जी फिर स्वागत है आपका। थैंक यू सर। कैसे हो आप? बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। और सब बढ़िया? सब मस्त। बढ़िया। तो अनिरुद्ध जी इसके बारे में बताएंगे, क्लासिक के बारे। ठीक है, तो स्टार्ट करें ब्लॉग। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करें, अनिरुद्ध जी पहले ये बताइए कौन सी बाइक है। सर ये जावा क्लासिक 350 है। ओके। और जावा हमारी एक पहले बाइक आती थी जावा 300। ओके। तो उसको अपडेट करके अब जावा क्लासिक 350 में कर दिया। पहले 300 आती थी और अब 350 में कर दिया। ओके। तो बहुत सारी चेंजिंग कराई इसमें, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें। जी जी जी, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम, जैसे इसके सबसे पहले इसका जो दिया हुआ है ग्राउंड क्लियरेंस। जी जी। पहले जो हमारी गाड़ियों के आते थे 165-170 mm, और अभी आप देखेंगे 180 mm दे दिया। जी जी। तो लोगों का काफी शिकायत था कि ग्राउंड क्लियरेंस जावा का कम आता है, तो अब आप देखेंगे तो काफी ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस ऊपर कर दिया 180 mm। बिल्कुल बिल्कुल, ये अब देख ही रहा हूँ आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, जो ग्राउंड बहुत ऊपर कर दिया है। पहले बहुत नीचे था, बहुत नीचे था, नीचे अब इसको कर दिया ऊपर। तो ये थोड़ा देख सकते हैं यहाँ पे, इतना दो हाथ के बराबर मेरा हो रहा है, जब मैं करूंगा तो दो हाथ के बराबर हो गया। स्टार्ट करते, जो इसका इंजन है 350 cc का इंजन है। जी, इसका 350 cc का इंजन है। ठीक है, और क्या हॉर्स पावर प्रोवाइड करता है सर इसको? देखो ज्यादातर कंपनी ने क्या था कि हमारे 300 cc में पावर ज्यादा था, बट इसको लोगों को डिमांड था कि हमें सिटी में चलाना है, हमें सेकंड गियर या थर्ड गियर में, हमें स्लो में भी चलाना है, 40 की स्पीड चलती है। जी। तो उस हिसाब से इसका पावर जो है 23 का कर दिया है। ओके। और टॉर्क जो है वो 28 का, अगर आप कंपेयर 350 से करेंगे जैसे बुलेट से, तो फिर भी उससे ज्यादा है पावर और टॉर्क। मैं अच्छा यही देखी, मैंने देखना बोलना चाह रहा हूँ कि जो बुलेट है ठीक है, और ये जावा है, दोनों की टक्कर बड़ी खतरनाक हो रही है, बहुत मार्केट में बहुत तगड़ी हो रही है। और सब बताऊं, इस टाइम जावा सबसे आगे चल रही है। जावा ठीक है, बहुत क्योंकि बीट कर रही है, रॉयल एनफील्ड को बीट कर रही है। बिल्कुल जी जी जी। ठीक है, और मैं सच बताऊं दोस्तों कि जैसे मैंने एंट्री करी थी, मैं इसको देखते रह गया एटलीस्ट 15 मिनट, तो मैं इसको देखते रह गया। एक छोटी जब अंदर आया, सब कह रहे मुझे कि भाई क्या कर रहा है, मैं क्या करूं, इस बाइक ने अट्रैक्ट किया, ऐसा कर दिया है ये बाइक अपने एक अपने में ही जबरदस्त है यार ये बाइक। और देख सकते हो पूरे क्रोम में पूरा क्या फिनिशिंग कर रखी है, क्या जबरदस्त कर रखी है, बहुत जबरदस्त लगी है बहुत। और कलर भी इतना यूनिक लग रही है, क्रोम ऑरेंज है ये। हाँ, क्रोम बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल क्लासिक है। आप देखेंगे तो पूरा रेट्रो लुक में है, इसका मत्था पूरा देखेंगे जैसे पुरानी क्लासिक आती थी। हाँ, उसी की तरह है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो चेंजिंग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी इसकी बात करी जाए उसकी इंजन। हाँ, लिक्विड कूल इंजन है इसमें, देखेंगे आप रेडिएटर लगा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, और यहाँ से इसका कूलेंट डलता है, नीचे कूलेंट स्टोर होता है। ओके। और ये जैसी बाइक चलेगी, थोड़ी सी हीट होगी, तो ये तुरंत अपना काम करना शुरू कर देगा। फिर इसके फ्यूल टैंक पे आते हैं, जो इसका फ्यूल टैंक है वो क्या कितना है इसका? इसका फ्यूल टैंक 14.5 लीटर का है। 14.5 लीटर का टैंक आता है। ठीक है, इसमें फ्यूल इंजेक्टर आता है। फ्यूल इंजेक्टर सर, क्योंकि आज की जितनी भी बाइकें आ रही है दोस्तों, सब में एक एक बिल्कुल नहीं आ रही, सब में फ्यूल इंजेक्टर आ रहा है। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा इसके अंदर क्या आ रहा है दोस्तों, इसमें 20% इथेनॉल डाल सकते हो, क्योंकि अब BS6 मॉडल है, क्योंकि BS6 मॉडल्स में आता ही है। ठीक है, और इसमें इथेनॉल डाल के चला सकते हो। भाई अब इथेनॉल का जमाना आने वाला है, मैं घर पेट्रोल मिले ना मिले इथेनॉल जरूर चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए कंपनी ने इथेनॉल भी निकाल दिया है, तो गवर्नमेंट ने बोला है। ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं ऊपर, और सच बताऊं तो देखो किक भी नहीं आती इसमें, क्योंकि जितनी BS6 मॉडल की आ रही कोई किक नहीं है आपके सामने है। ठीक है, मैं इधर भी दिखाता हूँ तो आपको दो साइड भी दिखाता हूँ कि आपको लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, बट किक नहीं आती इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद ऊपर आते हैं, इसके जो प्यारा सा मीटर दे रखा है
आप बताइए मीटर के बारे में। सर ये एनालॉगिंग मीटर है, अगर आप देखेंगे तो क्लासिक का एक खासियत यही है, ये जो इसका सुई है ये उल्टा चलता है जी, मतलब इसका एक अपने आप में ही खासियत है। सही बात है, मतलब जितनी सुई है सीधी चलती है ये उल्टी चलती है। हाँ, मैं आपको ऑन ऑफ करके दोबारा दिखाता हूँ, ये देखो जी जी क्या बात है। तो दोस्तों देखो ये उल्टी चल रही है, सही बात है। और फ्यूल दिखाने का भी इसका उल्टा ही होगा मेरे ख्याल से। हाँ, फ्यूल का भी इसका उल्टा ही है, अगर हम इस पन्नी को हटा के आपको दिखाना चाहते हैं जी, अभी ये देखेंगे तो ये फ्यूल का भी इसका उल्टा ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल यूनिक है यार, क्योंकि उल्टा ही कर रखा है थोड़ा सा। जी 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 बिल्कुल। और इसमें एनालॉग, ये कहते हैं मैनुअल प्लस डिजिटल थोड़ा सा दे रखा है। हाँ, इसमें थोड़ा सा डिजिटल, इसमें जो रीडिंग है जो पॉइंट शो करेगा कितना किलोमीटर चला है वो आपको शो करेगा, साइड डिस्टेंस शो करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। रीडिंग का मैं आपको बता देता हूँ, इसमें साइड स्टैंड अगर आप हटाएंगे, साइड स्टैंड हटाने के बाद देखेंगे इसमें किलोमीटर नोट कर देते हैं। इसमें अगर टूरिंग के लिए भी मोड है, जैसे ट्रिप ए है, ये ट्रिप बी है, और ये एक्चुअल किलोमीटर है, ये बटन दिया हुआ है इसमें। ओके, यहाँ से सारी चेंजिंग कर सकते हैं। ओके, इस बटन से यहाँ पे ओके, जो मैनुअल के लिए वो ये देख रहा है, यहाँ से मैनुअल कर। जी जी ओके, मतलब इतनी छोटी चीज में भी इन्होंने इतना फीचर दे दिया है जी, कि हम इन नॉट्स डॉट जो होते हैं, जो स्पीड चेक करनी होती है, हम इसका किलोमीटर चेक करना होता है, ये कंपनी इन्होंने। अगर आप नोट करेंगे तो इसमें जैसे आपका एबीएस इंडिकेशन साइन आ रहा है, अगर हम चाबी ऑन ऑफ करके करेंगे तो इसमें देखेंगे बैटरी का आएगा, हीटिंग का, सेंसर का आएगा, और यहाँ पे हीटिंग का भी दिया हुआ है। बिल्कुल, इसमें सारा चीज दिया हुआ है जी, इस छोटे से मीटर में सारा चीज। सही बात है, सारी कवर कर दिया है। तो मतलब पुराने मॉडल को रखते हुए उसमें ज्यादा भी चेंज नहीं करा, बट इसमें सारा दिखा भी होगा कि इतना हमने चेंज कर दिया है जी, ये इस मीटर में चेंज हुए है। फिर इसके जब हैंडल बार पे आते हैं, जो हैंडल बार पे आप देख सकते हो क्या इसमें यूनिक दे रखा है, ठीक है, और क्रोम के दे रखे हैं, फिर वही आपको पता ही, और ये हाई बीम लो बीम कर लिए, ये लेफ्ट एंड राइट करने के लिए हॉर्न का ही हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अपना आता है यहाँ से ऑन ऑफ करने वाला, ये स्टार्ट करने वाला हो गया, ठीक है। और ये यहाँ से मैनुअल चेक करने के लिए, कि मैनुअल आप कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो जी मैनुअल के लिए भी, और यहाँ पे हैजार्ड लाइट भी, हैजार्ड लाइट भी, हाँ बिल्कुल वो हैजार्ड का बता दी मैंने इनको, ठीक है। और फिर इसके बाद आते हैं जो इसके मिरर की, तो मिरर भी इन्होंने क्रोम के दे रखे हैं, तो आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त दे रखी है यार दोनों साइड। Be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement: the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The noose it fits some loose shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. फिर उसके बाद आते हैं आगे front. और जो फ्रंट है, जो इसकी जो लाइट है वो भी जो लाइट लगा दी है, ठीक है। हम आते हैं अलॉय व्हील पे, अलॉय व्हील इसका क्या साइज है? ये स्पोक व्हील आता है इसमें, अगर इसको कहते हैं स्मोक व्हील कहते हैं, जिसका साइज है जो जो अलॉय व्हील है वो इसका 18 साइज है जी, ठीक है। जो टायर का साइज है वो कितना है? वो 190/18 190/18 करके है। और ये ट्यूबलेस टायर आते हैं सर इसमें? ट्यूबलेस स्पोक व्हील में ट्यूबलेस नहीं है, अगर आप इसमें अलॉय डलवाएंगे तो इसमें ट्यूबलेस हो जाएगा, क्योंकि टायर तो ट्यूबलेस ही है। ओके, बट स्पोक के वैसे ही अभी विदाउट ट्यूबलेस काम करेगा। अच्छा, अभी जो स्मोक के करके इसको व्हील बोलते हैं, तो ये ट्यूबलेस टायर अभी नहीं है? नहीं, अभी ट्यूबलेस टायर नहीं है, जैसे इसमें हम अलॉय डलवाएंगे ये ट्यूबलेस का काम करने लग जाएगा। ओके ओके, मतलब दो फीचर्स हो जाएंगे इसके फिर जी। ये लो जी सर, दोस्तों ऐसी बात है कि हम ऊपर ही देख रहे थे तो टायर में भी कुछ अपग्रेड हो गई है, बहुत जबरदस्त। जब अलॉय व्हील लगाओगे तो ट्यूबलेस टायर हो जाएंगे, अभी स्मोक व्हील लगाओगे तो ऑब्वियसली ये ट्यूबलेस नहीं बनते फिर, ठीक है। बट आप पे डिपेंड है कि आप जब इसको चेंज कराओगे क्या चेंज कराना चाहोगे, कि स्मोक व्हील लगाना चाहोगे, अलॉय व्हील लगाना चाहोगे, ठीक है। चलो फिर आप पीछे, फिर हम पीछे पीछे वाले टायर की बात आते हैं। जो पीछे का टायर है वो पहले जो पीछे वाला जो अलॉय व्हील है वो भी 17 ही है? वो 17 है, 17 ही है। और ये पीछे, और ये टायर का साइज कितना है? टायर का साइज जो है इसकी मोटाई है 130/80/17, 130 के इतना मोटा चौड़ा टायर है ये दोस्तों, ये बिल्कुल। और ये भी सेम बिल्कुल 130/80/17 तो इसका इंच का टायर है, ठीक है। और एक और बात ये है कि अभी ये ट्यूबलेस नहीं है, जब इसको आपको इसका अलॉय व्हील चेंज करोगे फिर ये ट्यूबलेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ऐसे आते हैं डिस्क और एबीएस दोनों इकट्ठे मिलते हैं आपको? हाँ, डिस्क दोनों आगे पीछे दोनों मिलते हैं, ड्यूल चैनल है, ड्यूल चैनल, हाँ क्योंकि ड्यूल चैनल है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। फिर हाँ, तो दोस्तों ये सिंगल सिलेंडर डबल एग्जॉस्ट के साथ आती है, और ये देखो एक तो इधर से राइट साइड से निकल के जा रही है, फिर देखो सेकंड पे ये सेकंड से निकल के जा रही है, ये जावा की एक पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप आज के 40-50 साल पहले आप जाएंगे जो जावा आती थी जी, उसमें ये डुअल एग्जॉस्ट के साथ ही आती थी।
अच्छा ये जो 40-50 साल पहले अगर जैसे धर्मेंद्र की मूवी में आप देखें, हाँ जी, हाँ जी, पीछे से धुआं उड़ाते हुए भागते थे, हाँ जी, तो सारे जावा की बाइकें होती थी, जावा एसडी की, बिल्कुल। और उसमें सबसे पहले खासियत क्या था कि जिससे आप किक मारते थे उसी से आप गियर डालते थे, हाँ जी। तो अभी गवर्नमेंट के हिसाब से तो इसमें किक तो नहीं दिया है, सेल्फ स्टार्ट कर दिया, बाकी इसका जो साइलेंसर का लोगो है वो सेम टू सेम पुराने वर्जन का, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी वही देख रहा था, जस्ट मैं एंट्री गई जब अंदर आया तो जावा का मैंने वो देखा, जो फोटोज लगी थी, तो पुराने वाले मैं आपको दिखा दूं कि पुराने का, ठीक है। तो दोस्तों ये देखो, पहले ऐसी थी जावा, ठीक है, और कैसे कैसे मॉडिफिकेशन करके कैसे हुई, ये हिटलर होगा जो भी है, मुझे पता नहीं क्योंकि पुराने जमाने में ऐसी थी, उस टाइम हिटलर वही चलाते थे सबसे ज्यादा यार। कोई टेंशन हुआ जावा का, ठीक है। फिर इसकी बात करी जाए, देखो अब मैं इसकी सब, ये सब कुछ हो गया, अब बात करी जाए इसकी टॉप स्पीड कितनी है। टॉप स्पीड सर इसकी 140 प्लस है, 140 प्लस ये जाएगी दोस्तों। No mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why? ये हो गई इस बाइक के जावा क्लासिक 350। अब वो पल आ चुका है कि ये कितने की होगी, तो पैसा उसने कितना होगा सर, तो मार्केट प्राइस होगा कितना होगा इसका सर, अगर इसका हम ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 248 के प्राइस में है, 248,000 की ये बाइक आपको पड़ जाएगी पूरी जी, ठीक है दोस्तों, ये आपको पड़ेगी, ठीक है। तो ये थी जावा क्लासिक 350, ठीक है, कैसे लिए बताना। और उससे पहले अपने अनुरोध जी को करते हैं, विदा करते हैं, जो इतना इन्होंने इतना कुछ बताया इसमें, ठीक है। तो अनुरोध जी थैंक यू, आपने इस बाइक के बारे में बताया बिल्कुल, ठीक है, चलो तो चलते हैं। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, शुरू से आखिर तक देखें, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग पे। Different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues. I need a comb to get through. Don't need to groan with you. Just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind.